नमस्कार दोस्तों करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है ऑफ अक्टूबर 2023 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरवा आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते में करेंसी मार्केट में क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके लिए चार्ट में चलते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो वीकली फ्राइडे को क्लोज दिया है वो है आपका हंड्रेड 58 और अगर हम कंबाइंड चार्ट देखेंगे मंथली वीकली एंड डेली पे मंथली आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 करेंटली एट 59.21 दिस शोज दैट ऑन अ longer टाइम फ्रेम ऊपर में रेजिस्टेंस है वीकली पे इट्स ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 16 मूविंग एवरेज सो वीकली पे एक कंसर्न है क्या कंसर्न है कि एक मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए प्रयास कर रहा है कंसीडरिंग दैट फैक्ट ये जो आपका सेकंड अक्टूबर वीकली हाई है दैट इज 107.35 सो so, 107.50 के ऊपर एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकते हैं 107.50 के ऊपर और इज डेली अगर हम देखेंगे यहां पे आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है सो so, शॉर्ट टर्म पे 60 पे रेजिस्टेंस मीडियम टर्म पे 60 पे सपोर्ट एंड वीक मंथली लॉन्गर टर्म पे रेजिस्टेंस एट 60 सो इट्स अ मींस अ साइडवेज चॉपी बिहेवियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है जो आपका फ्राइडे का वीकली क्लोज है यहाँ पे ये 83.24 दिखा रहा है बट एक्चुअली इट्स

daily rsi 855.75 तो 60 में आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस हो सकते हैं यहाँ पे जो पिछले हफ्ते का वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है इसके लोग के नीचे हम ओनली नेगेटिव सोच सकते हैं और यहाँ पे ये यह जो रेंज है इस रेंज को जैसे कि हम रिपीटेडली बोल रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फ्रस्ट्रेट कर रहा है फ्रस्ट्रेट इसीलिए कह रहा है कि डर के मारे क्या ये 8350 के ऊपर चला जाएगा या नहीं दैट इज अग मिलियन डॉलर क्वेश्चंस यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स क्या अपना प्रेजेंस दिखाएंगे मंडे को जब हमारा इंडियन मार्केट नौ बजे ओपन होगा उस समय पे क्या इनविजिबल हैंड्स एक्टिव रहेंगे या सबका स्टॉप लॉसेस कटवाने के लिए बैठे रहेंगे या मजे लेने चालू करेंगे सो दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन जी बी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका वन अगर हम तीनों टाइम फ्रेम एक ही साथ में देखने का कोशिश करेंगे तो मंथली नियरिंग 40 सो लोअर लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट है वीकली बिलो 40 करेंटली एट 37.15 सो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन जोन पे क्या सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए प्रयास करेंगे एस पर इज द वीकली टाइम फ्रेम कंसर्नड एंड डेली पे ये रेन शिफ्ट का प्रयास कर करें रेन शिफ्ट के, के बाद भी जब तक ये 11th एंड 12th अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देते हैं बुलिशनेस बायस जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूरो आईनर जो वीकली फ्राइडे का क्लोजिंग है वो है 100 100.91 मंथली आरएसआई एट 52 साइडवेज चल रहा है मीन्स दोनों साइड में मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन वीकली इज एट 40 40.14 एंड डेली रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है सो so, यहाँ पे क्या है मींस जब तक ये 11th एंड 12th अक्टूबर के हाई के ऊपर जीबीपी आईएनआर प्राइस एक्शन स्ट्रांग क्लोज नहीं दे देते हैं तब तक आइदर साइडवेज कंसोलिडेशन या थोड़ा सा डराने का प्रयास करेंगे यूरो डॉलर जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो है 101.0558 यहाँ पे डेली पे ऑलरेडी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हो रहे हैं जब तक इस स्विंग लो को दैट मींस 13 अक्टूबर के स्विंग लो को नीचे की तरफ डैमेज नहीं करता है तब तक ये अपना हायर हाई हायर लो मोड पे ही रहेंगे एंड जैसे ही 24 अक्टूबर के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करने चालू करेंगे तो

कंटिन्यूसली ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं सो so, जब ये आपका ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर के हाई को ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ तोड़ेगा तब हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पे भी सिमिलर similar...

जा रहा है सो so, इस साइडवेज जोन को कौन सा थर्टीन अक्टूबर के लो एंड ट्वेंटी अक्टूबर के आई इस जोन को एक बार तोड़ने देना है आईदर साइड तब जाके क्लैरिटी मिलेगा डॉलर ईयर में वीकली जो क्लोज दिया 149.59 फोर्टी यहाँ पे अगर हम ऑल टाइम फ्रेम का आर एस आई में एनालिसिस करेंगे मंथली वीकली दोनों

फॉर्मेशंस के लिए एंटर करेंगे डॉलर कैंडी जो है 131.3845 पे जाके क्लोज दिया है ये इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस जोन है उसको चैलेंज कर रहा है मंथली अगर देखेंगे ये अबव 60 जाने के लिए प्रयास कर रहे वीकली अगर आरएसआई देखेंगे काफी ऊपर है 60 के ऊपर है एंड डेली uh, भी अबव 60 दैट बीइंग द केस यहां पे ये बाय डीप्स हम कंसीडर कर सकते हैं डॉलर कैंडी पे 80 डॉलर डॉलर इस रेंज के अंदर में काफी फंसा रहा है सबको इस जोन को क्लियर होने देना है तब जाके कुछ लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग या शॉर्ट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली चार्ट अगर देखेंगे ये बिलो बिलो है एट एट वीकली इज सो रेस बरकरार है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे डेली पे ये फोर्टी पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सी जो है वो है सेवन पॉइंट सो साइड वेज कंसोलिडेशन जारी है जब तक पी बी एस सी रहेंगे स्ट्रॉगली डिफेंडिंग दी एन ईज डेप्रीशन और चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट स्टार्टिंग टू मीन शो प्रोग्रेस बेटर रिजल्ट तब तक के ये

तैयारी कर रहा है ऑलरेडी मंथली मंथ चार्ट खत्म होने के लिए सिर्फ दो दिन है मंडे एंड ट्यूजडे का सो so यहाँ पे एक रेन शिफ्ट का ये दिखाया हुआ है। एंडलीफ्टी फोर सो शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत साइडिंग मूवमेंट हो सकते हैं Longer टाइम फ्रेम में हमें सेल आपेक्स यहाँ पे हम consider कर सकते हैं अभी आते हैं यूएस टेन ईयर ट्रेजरी टेन ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है वो है फोर पॉइंट एट थ्री नाइन यहाँ पे एक ये जो एरिया प्राइस बना रहा है थोड़ा सा नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव कंफर्म होगा जब ये ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर के लो के नीचे स्ट्रांग क्लोज देगा एंड फॉलो थ्रो लगाएगा अगर हम यहाँ पे टेन ईयर ट्रेजरी का मंथली डाइवर्जेंस का, का, का मतलब क्या है इस पिछले हफ्ते का यानी करेंट वीक का नहीं पिछले हफ्ते का जो लो है उसके लो के नीचे हम एक थ्री बार डाइवर्जेंस देख सकते हैं यानी आपका लो है आपका कौन सा हाँ 4.64 4.64 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो थ्री वाई डाइवर्जेंस विल गेट ट्रिगर्ड एंड काफी शार्प लो के तरफ आ सकते हैं ये एडवांस इंडिकेशन से एडवांस इंडिकेशन मींस अभी तक कुछ हुआ नहीं है ये 16 अक्टूबर वीक का यानी पिछले हफ्ते के लो के नीचे स्ट्रांग क्लोज देना पड़ेगा एंड डेली पे यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म हुआ है अभी लोअर लो फॉर्मेशंस करना है सो यूएस टेन एट हजार पे हल्का सा नेगेटिविटी दिख रहा है एंड वीकली बेसिस पे आने वाले हफ्ते में अगर इस 4.64 के नीचे वीकली क्लोज दे देते हैं इन सच ए केस नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस टू ईयर ट्रेजरी जो है 5.004 पे क्लोज दिया है मंथली अब सिक्सटी वीकली मूविंग बिलो सिक्सटी सो so, यहाँ पे एक नेगेटिविटी सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं ऑन वीकली पर्सपेक्टिव में एंड डेली में तो अच्छा खासा मींस uh, uh, नीचे आया है फ्रॉम द टॉप 4.23 से 5.00 सो यहाँ पे आपका ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है 4.93 उसके लो के नीचे एक मींस uh, फिर दोबारा आ सकता है 4.75 की तरफ ये हो गया आपका करेंसी वीकली वीकली इन नटशेल डॉलर इंडेक्स हल्का सा नेगेटिविटी दिखा रहे हैं और आपका वीकली लिटिल बिट पॉजिटिव दिखा रहा है बट मंथली एंड डेली थोड़ा सा नेगेटिविटी सो यहाँ पे इट्स क्रिएटिंग कॉज ऑफ कंफ्यूशन डॉलर रुपी साइडवेज मिसकिलेशन हो रहा है जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 43, सा रिस्की है है रिस्की अभी देखना है, क्या? ये रहेंगे या छोड़ देंगे स्टॉप लॉसेस को ट्रेगर करने के लिए सो अकॉर्डिंगली मंडे अनुपी को हैंडल करना पड़ेगा जीबीपी डॉलर आपका मंथली सिक्स के तरफ अप्रोच कर रहा है सो आने वाले महीने में शायद ये बेस आउट कर बेस करने का कोशिश कर सकता है एंड वीकली पे बिलो 40 थोड़ा सा नेगेटिविटी है जब तक कंफर्म कंडीशंस नहीं मिलते तब तक लॉन्ग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है एंड डेली पे ये रेन शिफ्ट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपका ट्वेल्थ अक्टूबर का हाई है उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देते तो बुलिशनेस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यूरो डॉलर मंथली एट 44.39 फोर पॉइंट थ्री नाइन ये थोड़ा सा सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है सबसे अच्छा चीज है वीकली में वीकली में ये शिफ्ट का पॉसिबिलिटीज अभी तक शिफ्ट किया नहीं है पॉसिबिलिटीज है पिछले हफ्ते के मीन लास्ट वीक का ये जो आपका लास्ट वीक बोले हैं करेंट वीक का जो हाई है उसके ऊपर अगर क्लोज दे देते हैं तो इन केस एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी हम यहाँ पे वीकली पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं मंथली डेली ऑलरेडी हायर है बना रहा है ये थर्टींथ अक्टूबर के लो के नीचे जाना नहीं चाहिए एंड ट्वेंटी अक्टूबर के ऊपर अगर आ जाते हैं तो हायर हाई हायर लो बिल्डअप हो सकते हैं डॉलर येन जो मंथली सुपर बुलिश वीकली सुपर बुलिश डेली थोड़ा सा बिलो 60 आया हुआ है वीकली का जो चार्ट है इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है दैट बीइंग द केस मंडे ऑनवर्ड्स क्या है? ये पिन बार के नीचे स्ट्रांग क्लोज देगा इन such a case थोड़ा सा सेलर ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका जपीवाई आईएनआर जपीवाई आईएनआर यहां पे मंथली बेस पे बिलो 40 है